बैलेंस एडवांटेज फंड्स, ये एक ऐसे कैटेगरी ऑफ स्कीम्स है जो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अगर मैं आपको प्रेस्पेक्टिव दूं तो इंडिया में बैफ में, दैट इज बैलेंस एडवांटेज फंड में 1.8 लाख करोड़ का एएम है। इससे आप समझ सकते हैं एक 37-38 लाख के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो बैफ है या बैलेंस एडवांटेज फंड है, इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में डिटेल से बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैटेगरी इतनी फेमस क्यों है, अगर आपको अपने कस्टमर को इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट देना है तो क्यों देना चाहिए, कैसे सही बैफ फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड सेलेक्ट करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको बैलेंस एडवांटेज फंड अपने कस्टमर को देना है तो उसके बाद आपको क्या क्या चीजों का कंसिडरेशन करना चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम शोभित, आई एम अ फिनबिज ग्रोथ एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ फिनबिज ग्रोथ क्लब। वी आर एन एस्पायरिंग कम्युनिटी ऑफ न्यू एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हु आर डिटरमाइंड टू चेंज हाउ इंडिया इज गोइंग टू इन्वेस्ट। So, जब बैफ की बात कर रहे हैं या बैलेंस एडवांटेज फंड की बारे में बात कर रहे हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि जो इंडिया में म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उसमें अगर आप सबसे बड़े स्कीम्स की बात करें तो बैलेंस एडवांटेज फंड्स का नाम सबसे ऊपर आता है। जस्ट टू आपको अगर मैं प्रस्पेक्टिव दूं तो जो सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड स्कीम है इंडिया में है वो है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसका AUM जो है 48,000 करोड़ प्लस का है। ICICI प्रोडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड 42,000 करोड़। और कुछ जो सबसे बड़े म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं इंडिया में उसमें आपको बैफ का नाम सबसे ऊपर आएगा एज इन कैटेगरी। सो अब आपको हमको ये समझना है कि भैया सब लोग इस फंड में या इस कैटेगरी ऑफ फंड्स में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं या इसका क्या रीजन है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर आप इस कैटेगरी के हिस्ट्री को उठा के देखें, तो ये कि इस फंड में बहुत ही प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो बन के आता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मंथली डिविडेंड का ऑप्शन मिलता है, जो एक समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था। जब तक डिविडेंड टैक्स फ्री होते थे कस्टमर के हाथ में, तब तक ये फंड में बहुत ज्यादा फ्लो आता था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बड़े स्कीम जो है इस कैटेगरी में वो मंथली डिविडेंड देते थे और ये एक FD से बेटर ऑप्शन उभर के आता था। इसलिए बहुत सारे लोग अपना पैसा जो उन्होंने फिक्स इनकम या फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स में रखे थे, वो पैसा इस कैटेगरी ऑफ स्कीम्स में मूव होने लगा, क्योंकि यहाँ पे आप कस्टमर को एक रेगुलर कैश फ्लो बैंक FD से ज्यादा बन के आता था। तो इस वजह से भी ये स्कीम को काफी पॉपुलरिटी मिली। जो दूसरा प्लस पॉइंट इस स्कीम का ये कि यहाँ पे जो एसेट एलोकेशन है वो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर करता है। जनरली आप सपोज एक इक्विटी फंड ले रहे हैं तो आपका मेजॉरिटी पैसा इक्विटी में जाता है, आप डेट फंड ले रहे हैं तो आपका मेजॉरिटी ऑफ पैसा डेट्स में जाता है। लेकिन अगर आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड ले रहे हैं तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है फंड मैनेजर का वो होता है वेरियस एसेट क्लास में टाइमिंग करने का। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन जो फंड मैनेजर है वो 0 से 100 इक्विटी में जा सकता है, 0 से 100 डेट में जा सकता है, डेरिवेटिव्स में भी पोजीशन ले सकता है, जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर को जो ज्ञान नहीं होता है एक प्रोफेशनल कैसे हर एसेट क्लास में मूव इन एंड मूव आउट करें, जो हम टाइमिंग ऑफ द मार्केट बोलते हैं, वो यहाँ पे आपको एक बेटर रूप में निकल के आता है। यहाँ पे आपको टैक्सेशन का भी फायदा होता है, क्योंकि जो बैलेंस एडवांटेज फंड है वो मोस्टली इक्विटी टैक्सेशन आपको देता है, तो आपको टैक्स लायबिलिटी भी कम होती है और यहाँ पे आपको इक्विटी इतना रिस्क भी नहीं लेना पड़ता है। तो एक प्रोफेशनल अगर किसी एसेट क्लास में कॉल ले रहा है वो बेटर रिजल्ट दे सकता है विजावस आप कॉल लें कि आपको कब इन्वेस्ट करना है या कब बाहर जाना है। तो आई होप आपको समझ में आया कि भैया ये स्कीम इतनी पॉपुलर क्यों है, इस कैटेगरी में इतना फ्लो क्यों आता है, क्यों ये स्कीम्स इतने बड़े साइज के हैं। एक बार जब आपको ये समझ में आ गया तो मुझे लगता है आपको काफी क्लियरिटी भी आई होगी कि आप अपने किस कस्टमर्स को बैलेंस एडवांटेज फंड सजेस्ट कर सकते हैं या आपको अपने कस्टमर के पोर्टफोलियो में बैलेंस एडवांटेज फंड देना चाहिए।
सो जो ऑब्जेक्टिव है, अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड अपने कस्टमर को दे रहे हैं, तो जो मुझे लगता है पहला ऑब्जेक्टिव जो आपको देखना चाहिए वो ये कि अगर आपका कस्टमर एक रेगुलर कैश फ्लो देख रहा है जहां पे उसको ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए और टैक्स एफिशिएंसी भी बनी रहे, तो बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छा पिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जनरली जो फंड मैनेजर्स हैं अच्छा रिस्क मैनेज करते हैं और एक रेगुलर कैश फ्लो देने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है अगर आप प्योर डेट में ना जाके एक ऐसी स्कीम देख रहे हैं जहां पे आपको इक्विटी का टैक्सेशन भी मिले और डेट से थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना पड़े। तो जब आप एक बार इस पर क्लियर हो जाते हैं कि आप कौन से कस्टमर्स को आपको बैलेंस एडवांटेज फंड देना चाहिए, चलिए अब बात करते हैं कि जब आप बैलेंस एडवांटेज फंड अपने कस्टमर को दे रहे हैं तो कौन सा बैलेंस एडवांटेज फंड दें, क्या क्या चीजें आपको एक बैलेंस एडवांटेज फंड में देखनी चाहिए जिससे आपको सुविधा हो। तो जैसे हमने बताया कि भाई बैलेंस एडवांटेज फंड आपको इसलिए कंसिडर करना चाहिए ताकि आपके इन्वेस्टमेंट की वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो, ताकि फंड मैनेजर एक रेगुलर कैश फ्लो उस इन्वेस्टमेंट से निकाल सके। तो जो मेरा सबसे पहला आपको सजेशन होगा वो ये कि आप फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को एनालाइज करना शुरू करें, ना कि पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स। नाउ मोस्ट ऑफ द फंड फैक्ट शीट में या एडवर्टाइजमेंट्स में अगर आप देखें तो वहां पे आपको पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न मिलता है, जो आपको एक बहुत कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट देता है या पिक्चर देता है उस इन्वेस्टमेंट जर्नी की। लेकिन अगर आप रोलिंग रिटर्न्स लेते हैं तो आपको काफी क्लियरिटी मिलती है कि भैया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या रिटर्न प्रेडिक्टेबल मिल सकता है उस इन्वेस्टमेंट से। तो जब आप एक रोलिंग रिटर्न्स फंड का देखते हैं, और मैंने कुछ स्कीम्स को शॉर्टलिस्ट किया है, ये मेरी रिकमेंडेशंस नहीं है, मैंने सिर्फ एनालिसिस पर्पस के लिए कुछ स्कीम्स को शॉर्टलिस्ट किया है और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए जिससे आपको एक बेटर अच्छा बैलेंस एडवांटेज फंड पिक करने में आसानी हो। तो अगर आप इस चार्ट को देखें, यहाँ पे मैंने चार फंड्स लिए हैं एनालिसिस के लिए। तो जो सबसे पहली चीज मैं आपको कंसीडर करने के लिए चाहूंगा कि आप कंसीडर करें वो ये है कि फंड का मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न क्या बना है। अगर आप फंड का मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न देखें तो वहां पे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि फंड की वॉलेटिलिटी क्या है, क्योंकि जैसे हमने बोला हम चाहते हैं कि हमारा जो बैफ हो उसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा ना हो। तो जो ये मैक्सिमम और मिनिमम का पिक्चर है, अगर आप इसको देखें तो यहां से आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। तो अगर आप एडलवाइज को देखें तो उनका जो मैक्सिमम रिटर्न है वो 18.53% का है, मिनिमम 6.97% का है, तो इसका जो डिफरेंस है लगभग 11% का बनता है। इसी तरह से आप दूसरे फंड्स का भी मैक्सिमम और मिनिमम रिटर्न देखें और आप देखें कि भैया किसका मैक्सिमम और मिनिमम रिटर्न जो है वो सबसे कम है। इससे क्या हमको समझ में आएगा, इससे हमको ये समझ में आएगा कि इस फंड की वॉलेटिलिटी जो है वो कम है या फंड का जो परफॉर्मेंस डेविएशन है वो कम है। अगर हाईएस्ट और लोएस्ट रिटर्न्स में सपोज सबसे ज्यादा रिटर्न डिफरेंस से 15% का है या 12% का, और एक फंड है जहां पे सिर्फ 4% का है, इसका मतलब फंड का जो फ्लक्चुएशन है परफॉर्मेंस में वो एक सर्टेन डिग्री तक कम है। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे फंड्स को कंसिडर करें जिनका मैक्सिमम और मिनिमम रिटर्न्स का जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो, ताकि वो फंड की वॉलेटिलिटी को हम कंसिडर कर सकें। तो ये पहला एस्पेक्ट आपको देखना चाहिए। जो दूसरा एस्पेक्ट मैं चाहता हूं आप देखें वो ये कि जो फंड का एवरेज और मीडियन रिटर्न है वो कितना पास है। तो अगर आप मीडियन रिटर्न देखें तो यहाँ पे आपको मीडियन रिटर्न से मिलेगा कि मोस्ट प्रोबेबल रिटर्न स्कीम में क्या मिल सकता है, और एवरेज रिटर्न आपको जो कम ज्यादा सारा मिला के जो एवरेज मिलता है वो रिटर्न। मैं चाहता हूं कि आप उस फंड्स को ज्यादा वेटेज दें जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं जिसका एवरेज रिटर्न और मीडियन रिटर्न का डिफरेंस बहुत कम हो। इससे क्या होगा, इससे हमको ये क्लियरिटी मिलती है दोस्तों कि हमारा जो फंड है वो जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिटर्न दे रहा है। अगर स्कीम का एवरेज रिटर्न और मीडियन रिटर्न बहुत पास है, जैसे आप
एडलवाइस का देखिए 13.80, 13.43, वेयर एज आप बैलेंस एडवांटेज देखिए 11.73, 12.38, आईसीआईसी में 11.35, 11.45, तो आपको आइडिया मिलता है कि भाई कौन से फंड में फ्लक्चुएशन ज्यादा है और कौन से फंड में फ्लक्चुएशन कम है। अगर जो आपका एवरेज रिटर्न है और मीडियन रिटर्न का डिफरेंस बहुत कम है, इसका मतलब जो आपकी एवरेज रिटर्न है वो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपके कस्टमर को वही रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मिल सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फंड ने उस टाइप का रिटर्न डिलीवर किया है। तो आपको ये भी कंसीडर करना चाहिए कि एवरेज रिटर्न और मीडियन रिटर्न का डिफरेंस जितना कम होगा, आपके लिए उस स्कीम को सजेस्ट करना या चूज करना ज्यादा आसान होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपके जो प्रेडिक्टेबिलिटी है रिटर्न की वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये दूसरी चीज है जो आपको कंसीडर करना चाहिए। जो तीसरी चीज मैं चाहता हूं आप देखें वो है रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन। रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो फंड है उसने कहां पे ज्यादा रिटर्न दिया है, किस रेंज में ज्यादा रिटर्न दिया है। तो नेगेटिव में कितने टाइम फंड ने रिटर्न जनरेट किया है, 3 इयर्स का टाइम पीरियड जो हमने इस एग्जाम्पल में लिया है, तो यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न मोस्ट ऑफ द फंड ने नहीं किया एक्सेप्ट HDFC, तो ये भी आपको एक इंडिकेशन दे सकता है। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली मैं आपका जो अटेंशन चाहता हूं वो ये कि आप इस बात को जरूर कंसीडर करें कि जो फंड का एवरेज रिटर्न है उस रिटर्न के आसपास सबसे ज्यादा टाइम बिताने वाले फंड को आप कंसीडर करें। तो इसका मतलब क्या है, जल्दी एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप इसमें देखें तो आप अगर एडलवाइज फंड को लें, एडलवाइज फंड का जो एवरेज रिटर्न है 13.80 का है। अगर आप रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन में आए तो ये इस ब्रैकेट में आता है, 12-15% ब्रैकेट में आता है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये फंड ने 46% ऑफ द टाइम यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दिया है कस्टमर को। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो एवरेज रिटर्न है हमारा फंड का भी रिटर्न उसी के आसपास आ रहा है या उसी रेंज में आ रहा है, तो मेरे कस्टमर को कोई नेगेटिव शॉक्स नहीं मिलेंगे। तो आपको ये कंसीडर करना चाहिए। अगर आप HDFC बैलेंस का देखें तो 11.73 एवरेज रिटर्न है, और इसका अगर आप कैटेगरी देखें जो 10-12% है वहां पे फंड ने 18.59% टाइम बिताया है। तो ये आपको एक इंडिकेशन देता है कि फंड जो है थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है। अगर आप ICICI प्रू का देखें तो इसका जो एवरेज रिटर्न है वो 11.35% का है। अगर आप इसका रेंज देखें तो ये होता है 10-12% का, जहां पे फंड ने 44.81% टाइम बिताया है। तो ये जो है आपको एक अच्छा इंडिकेशन दे सकता है कि जो फंड का मेजॉरिटी ऑफ परफॉर्मेंस जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिलीवर किया है वो एवरेज रिटर्न के आसपास डिलीवर किया है। इसका मतलब फंड का परफॉर्मेंस जो है अक्रॉस द मार्केट साइकिल काफी कंसिस्टेंट है, और आप उस फंड को कंसीडर कर सकते हैं अपने कस्टमर को सजेस्ट करने के लिए। तो ये जो है रिटर्न स्टैट्स और रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक अच्छा इंडिकेशन दे सकता है कि आप इस जिस ऑब्जेक्टिव से कस्टमर को बैलेंस एडवांटेज फंड दे रहे हैं वो मीट कर पाएगा या नहीं। जो दूसरी चीज मैं चाहता हूं आप कंसीडर करें मेरे दोस्तों वो ये कि जो बैलेंस एडवांटेज फंड है उनका कुछ पोर्शन या काफी पोर्शन कभी डेट में भी इन्वेस्ट होता है। तो आप ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि जो फंड डेट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उस डेट के पेपर्स की क्वालिटी क्या है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इक्विटी देखेंगे और डेट में जब फंड का एलोकेशन हो रहा है उसको नहीं देखेंगे तो ये काफी रिस्की हो सकता है। तो अगर आप मोस्ट ऑफ द फंड जो हमने डिस्कस किए, मैं चाहता हूं कि आप देखें कि उनके जो पेपर की एवरेज क्वालिटी है वो क्या है। अगर AAA या AA से ऊपर है तो ये बहुत अच्छा है। ICICI का देखें तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेपर्स में, जो एक अच्छा इंडिकेशन है। अगर आप एक ऐसा स्कीम सेलेक्ट कर रहे हैं जहां पे जो पेपर क्वालिटी है वो AA या उसे नीचे की अगर पोर्टफोलियो में दिख रही है तो ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। जो दूसरी चीज आपको देखनी चाहिए वो एवरेज ड्यूरेशन की भी देखनी चाहिए।
एक इंटरेस्ट राइजिंग सिनेरियो में अगर एवरेज ड्यूरेशन और एवरेज मैच्योरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो ज्यादा है तो ये भी आपके कस्टमर के रिटर्न्स को इम्पैक्ट करता है, तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। और यील्ड टू मैच्योरिटी भी आपको एक अच्छा इंडिकेशन दे सकती है कि क्या क्वालिटी का पेपर फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो में लिया है। अगर YTM बहुत ज्यादा है, एबनॉर्मल है, तो आपको समझना चाहिए कि तभी आ सकता है जब फंड मैनेजर ने एक लो ग्रेड का पेपर्स में इन्वेस्ट किया हो। तो डेट पोर्टफोलियो को भी देखना बहुत जरूरी है। जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो बैफ सेलेक्ट करते समय नहीं देखते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इसको भी अच्छी तरह से एनालाइज करें जब आप अपने कस्टमर को बैलेंस एडवांटेज फंड देना चाहते हैं। सो आई होप मुझे मैंने आपको कुछ आइडिया दिए होंगे कि आपको बैफ को कैसे सेलेक्ट करना है। नाउ एक बार जब आप बैफ सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं कि जब आप बैलेंस एडवांटेज फंड कस्टमर को देते हैं तो आपको जब एक रेगुलर इनकम के पर्पज से दे रहे हैं तो आपको डिविडेंड ऑप्शन लेना चाहिए या आपको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का ऑप्शन लेना चाहिए। नाउ जब तक डिविडेंड फ्री थे कस्टमर के हाथ में तो डिविडेंड ऑप्शन एक बहुत अच्छा टूल था एक टैक्स फ्री इनकम कस्टमर को जनरेट करने के लिए। लेकिन जैसा आप जानते हैं अभी जो डिविडेंड्स हैं वो कस्टमर की इनकम में ऐड हो जाते हैं और कस्टमर के अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स पे करना पड़ता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि अगर आप रेगुलर इनकम के लिए कस्टमर का SWP दैट इज सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगा रहे हैं तो वो इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रोथ ऑफ द पोर्टफोलियो, वो रेगुलरली कस्टमर के इन्वेस्टमेंट से पैसा विड्रॉ करके उनके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। इससे क्या होता है कि अगर कोई लॉन्ग पीरियड के लिए फंड की परफॉर्मेंस नहीं आई बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस तो कस्टमर का कैपिटल कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप डिविडेंड ऑप्शन लेते हैं तो ये तो फंड मैनेजर का डिस्कशन होता है कि वो कब डिविडेंड डिक्लेयर करता है कब नहीं करता है, वहां पे कैपिटल लॉस का जो चांस है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन देख रहे हैं जहां पे आप नहीं चाहते कि कस्टमर का कैपिटल लॉस हो, तो मुझे लगता है कि आपको डिविडेंड ऑप्शन ही चूज करना चाहिए, ना कि SWP ऑप्शन। वहां पे आपको एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रिटर्न्स मिल सकता है। सो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। आई होप मैंने आपको कुछ नए आइडियाज, नए इंफॉर्मेशन, नए इंसाइट्स दिए होंगे जिससे आप सबसे पहले एक अच्छा बैलेंस एडवांटेज फंड अपने कस्टमर के लिए चूज कर सकेंगे और उसके साथ एक अच्छा स्ट्रेटजी बना के अपने कस्टमर को एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ और कैश फ्लो दे पाएंगे। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अगर ये आपके लिए लाभदायक हो, तो मैं चाहता हूं कि आप हमें थम्स अप दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई नया वीडियो लेके आए तो आप पहले हो इसको देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं।